बंदा ही बेसब्र होता है, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। पिछले 3 महीनों से कश्मीर में जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी बनी हुई थी कि बर्फ़ नहीं हो रही है, बारिश नहीं है, सूखा पड़ गया। और जेन्युइन बात थी, क्योंकि जिन महीनों में कश्मीर में बर्फ़ पड़ती थी उन महीनों में बर्फ़ नहीं पड़ी, इवन कि बारिश तक नहीं थी। पानी के जो चश्मे थे वो सूख रहे थे, हमारे जो नदी नाले थे वो सूख रहे थे। और आज 1st of February है और आखिरी जो दिन था जनवरी का, 31st of January की रात को ऐसी बर्फ़बारी हुई कि सब लोग हैरान हो गए। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं होती है, मिल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है और इस बात से हर कोई वाकिफ होता है। तो आज जो बर्फ़बारी हुई, कल दिन में भी हुई, आज सुबह थोड़ी सी हुई, और उसने जो कंडीशन क्रिएट की है वो आप मेरे ये पीछे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है हर एक एरिया में, पूरे कश्मीर में बर्फ़बारी हुई है, लेकिन हमारा जो उड़ी जो सब डिवीजन है, इसकी जो पहाड़ी एरिया है या जो हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बर्फ़बारी हुई है। और इस बर्फ़बारी ने बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई है। जो दरख्त थे लोगों के वो टूट चुके हैं, जो यहाँ पर इवन टूट गए, और कुछ एक बाकी जो पेड़ पौधे थे वो भी टूटे हैं। तो अभी हम चलते हैं इस व्लॉग में, देखते हैं कि क्या कंडीशन है, कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, कौन से एरिया में कितनी बर्फ़बारी हुई है, और इस बर्फ़बारी से, इस स्नोफॉल से जो इफ़ेक्ट हुआ है लोगों की लाइफ पे वो कैसा हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं कि बर्फ़बारी का कंडीशन, बर्फ़बारी की कंडीशन क्या है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, इसी से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। तो चलिए हम देखते हैं पूरे एरिया का राउंड करके कि बर्फ़ कितनी पड़ी। तो ये कंडीशन है बर्फ़बारी की, और ये जो झुके हुए पेड़ हैं इनसे अंदाज़ा लगता है कि जो बर्फ़ हुई है, स्नोफॉल जो हुआ है, वो ऑलमोस्ट हाई रिज में 2 से 2 से लेकर 4 फीट तक जो बर्फ़बारी हुई है। और ये पूरे का पूरा एरिया यहाँ पर बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, सो नीचे लास्ट वाला जो पॉइंट है उड़ी, थाजल पावना एंड उड़ी, और वहाँ तक, यानी जो ज़ीरो है हमारा, जो इस्लामाबाद है या जहलम रिवर जो बहता है, इस्लामाबाद की जो डैम है, वहाँ तक कभी कभार ही बर्फ़ पड़ती है, बट अब की बार ये जो बर्फ़ है वो वहाँ तक पहुँची है। और ये कंडीशन है, और ये कंडीशन है किस तरीके से बर्फ़ से जो लाइफ इफ़ेक्ट हुई है। मैक्सिमम एरियाज़ की ये जो रोड आ रहे हैं वो अभी क्लोज हो गए हैं, एंड ये तो कहना मुश्किल होगा कि कितने टाइम तक ये रोड क्लोज्ड रहेंगे। यहाँ से मैं आपको ये वाला एरिया दिखा देता हूँ, ये जो पहाड़ है और बिल्कुल वाइट बर्फ़ से ढका हुआ जो ये पहाड़ है, ये बाबा फरीद की जो ज़्यारत है, बाबा फरीद माउंटेन है वहाँ पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ हुई है। और ये पूरे का पूरा जंगल का एरिया, यहाँ इस जगह से पीछे जो है वो कांडी माउंटेन, यहाँ पर भी अभी जाना तो जाने की तो बात थी दूर, अभी कई महीनों तक ये रास्ता अभी बंद रहेगा, कई जगह तक ये, कई दिनों तक ये बंद रहेगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इस हैवी स्नोफॉल में वो होता है इन पेड़ पौधों का। ये बड़े बड़े जो दरख्त हैं आप देख सकते हो, ये टूट कर नीचे पड़े हुए हैं। ये यहाँ पर एक पेड़ है जो कि बीच में से टूट कर नीचे पड़ा हुआ है, ये हो गया अखरोट के दरख्त। तो सारी जो चीज़ें डैमेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि बिल्कुल जड़ों से उखाड़कर बर्फ़ ने नीचे फेंक दिया है, और सेम कंडीशन है बाकी जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनकी भी। और ये पूरे का पूरा अभी एरिया सफ़ेद बर्फ़ के ब्लैंकेट से ढका हुआ, ऑलमोस्ट 2 फुट के बराबर ये बर्फ़ पड़ी हुई है। और इस हैवी स्नोफॉल की वजह से जो है डैमेज इन सब पेड़ पौधों का हुआ, और इस बार जो बर्फ़ हुई है बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ सबकी इस मंथ में।